नमस्कार, सिटी न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूँ जे क्या। उस वक्त बड़ा मलेरा से खबर सामने आ रही है, जहाँ पर भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी ने अपना पर्चा दाखिल किया है। भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी की भी सभा में काफी भीड़ नजर आई। यहाँ पर मंत्री गोपाल भार्गव भी इस भीड़ के बीच मौजूद रहे। हालांकि इस मामले में पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस द्वारा रामसिया भारती और प्रद्युम्न सिंह लोधी सहित 100 लोगों के खिलाफ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने और कोविड-19 की धज्जियां उड़ाने पर मामला भी दर्ज किया गया है। चावल जहां का तहां है, उसके लिए व्यवस्था करी जा रही है। यदि दोबारा पोर्टल खोलने की व्यवस्था होगी सरकार की ओर से, तो निश्चित वो चावल गरीबों में बांटा जाएगा। आज आपके जुलूस में कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ा गया है? भारी भीड़। कोरोना प्रोटोकॉल को नहीं तोड़ा गया। अब बहुत से लोग आज बाजार का भी दिन था। कांग्रेस पार्टी के छतरपुर के विधायक माननीय पज्जन जी आप पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब हम क्या कहना चाहते हैं, उनको खुद पता नहीं अपने पिताजी माता जी का नाम क्या है, वो हमारी क्या बात करें। उनको खुद अपने माता पिता का नाम पता नहीं, दूसरे के आश्रय पर जिंदा है, वो क्या हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे। हम अभी आपको ऑडियो दिखाएंगे, दो दिन बाद हम आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें पता चलेगा रेत माफिया कौन है, घरों को कौन उजाड़ता है, अपने घरों को जिसमें आप खाते हैं उसी में कैसे छेद करते हैं, वो हम सब दुनिया की बातें पूरी। क्या वजह रही आपने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी जब ज्वाइन की हुई थी? अब वो लड़ाई झगड़े इतने तेज थे उसमें कि कोई छोटे मोटे विधायक तो उसमें रह नहीं सकते।